सच साहस सरोकार। बिजनौर में विद्युत कर्मचारियों ने किया कार्य का बहिष्कार, 52 घंटों की हड़ताल पर रहेंगे विद्युत कर्मचारी। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 11 बाइकें भी हुई बरामद। गाजियाबाद में H3N2 वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिला अस्पताल में तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड। गाजियाबाद में शादी समारोह में युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में पत्नी के प्रेमी ने की पति की हत्या, पत्नी पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर औरैया से है, जहां विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी द्वारा पॉलिटेक्निक और IIT कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया गया है, वही ट्रेजरी से भी रिटायर्ड विद्युत कर्मियों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही हड़ताल के दौरान कोई व्यवधान पैदा होता है तो सभी से कार्य में सहयोग करने की भी अपील की गई है। इस दौरान किसी प्रकार की अराजकता होने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने की भी अब बात कही गई है। वह पुलिस अधीक्षक द्वारा फोर्स की निगरानी रखी जा रही है और जिला अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ तक कि JEE और AE तक, इसके संगठन ने जो है हड़ताल के नोटिस शासन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे दी हुई है, जो आज शाम से तो प्रतीकात्मक एक तरह से कार्य बहिष्कार है, कल शाम 6 बजे तक, उसके बाद उनका 3 दिन का टोकन स्ट्राइक की ये संभावना है। तो हम लोगों ने इसके तहत तैयारी की हुई है, हमने उनसे भी बात किया है जो लोग हड़ताल पर हैं कि भाई ठीक है, आपका सैद्धांतिक विरोध है आप करें, बट कोई भी तोड़फोड़ या इस तरह शांति व्यवस्था को या खुद जा करके उसमें कोई व्यवधान पैदा करना ये करते ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ करेंगे या जो लोग हमारे हड़ताल पे नहीं हैं उनके काम करने में कोई अवरोध करेंगे तो आसमा एक्ट भी लागू हो जाएगा, उनके ऊपर लगाया जाएगा और बहुत सख्ती से निकाला जाएगा। साथ ही हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, हमने सेक्टर जोन भी बनाया हुआ है, SDM को जोनल और तमाम हमारे अधिकारी को हमने सेक्टर बनाया हुआ है। मीटिंग हुई है और सभी DM SPs को निर्देश जो मिले हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जो प्रस्तावित और टोकन अभी ये हो रहा है हड़ताल, उसके दौरान उच्च स्तर से भी और हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी संवाद किया जा रहा है और है संभावना कि ये इसी प्रकार से जो है निस्तारित हो जाएगी, इसमें आगे क्रमिक जो है हड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु क्योंकि कोई भी अगर कॉल है तो उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, तो निर्देशानुसार सभी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जितने हमारे टीम हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है और ऐसे संभावित लोग जो आगे अगर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। सभी से संवाद किया जाएगा पहले, यदि आगे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए पुलिस का अपना प्लान हमने बना लिया है। सेक्टर जोन स्कीम जो लागू की जाती है उसको भी प्लान करके लागू कर दिया गया है और सभी उपकेंद्रों पर ड्यूटी रहेगी, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो अतिरिक्त जो है मैन पावर के लिए होमगार्ड्स की मांग की है DM साहब के माध्यम से। तो व्यवस्था ठीक है और जनपद में इतना पहले भी नहीं रहा है तो आशा नहीं रहेगा संवाद से इसको हल कर लिया जाए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जाहिद अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद, विद्युत कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन तो मुस्तैद हो चुका है, लेकिन उनके प्रदर्शन और हड़ताल की वजह क्या है? जी मैं बता दूंगा आपको, उन्होंने जो 14 सूत्री जो मांग रखी विद्युत विभाग कर्मचारियों द्वारा, जो उसकी मांग पूरी न होने के कारण उन लोगों ने आज हड़ताल करके ही चले गए, जिसमें मिसाल जुलूस भी निकाली थी। वही आज जिला प्रशासन अधिकारी से जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों ने इसमें पूरी तैयारी कर ली गई, जिसमें 32 केंद्रों पर
निगरानी भी की जा रही है। उसके अलावा भी जो भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया थी, बता दें आपको। जाहिद, ये जो हड़ताल है ये कब तक चलेगी और इससे क्या कुछ वहाँ की जो जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? ये 72 घंटे की हड़ताल है, उसके अलावा भी आगे के वो लोग बुद्धि विभाग के कर्मचारी रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा जो किसी किस्म को फाड़ होता है, किसी बुद्धि विभाग को परेशानी अगर आती है तो यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करे। पर वही जिला प्रशासन द्वारा पुराने विस्तृत कर्मी जो रिटायर हो चुके उनको द्वारा पुनः लाने के लिए उनको प्रयास किया जाए, उनसे बातचीत भी कर ली गई है की और उनको वहाँ पर लगाया भी जाएगा। बिल्कुल जाहिद, ये भी कहा जा रहा है की जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, मुस्तैद हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो क्या कुछ तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई है? जिला प्रशासन द्वारा जो रिटायर विद्युत कर्मी कर्मचारी तो उनसे बात कर लीजिए, उसके अलावा पोर्टल जो कर्मचारी तो उनसे भी बात कर ली गई है, अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना होता है तो उनको लगा दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद जाहिद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिजनौर के आवास विकास में स्थित विद्युत उपकेंद्र पर सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। संघर्ष समिति के ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते पर अमल नहीं करने पर कर्मचारियों के बीच निराशा और आक्रोश लगातार बना हुआ है। उसी के चलते आज विद्युत कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया, तो वही कल से जनपद के सभी विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों ने विद्युत उपकेंद्र पर प्रदेश सरकार से उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार का आज पहला दिन है और जैसा कि आपको विदित है कल दिनांक 14 मार्च को पूरे प्रदेश में जो विद्युत संघर्ष समिति लखनऊ के आह्वान पर हमने मशाल जुलूस निकाला था, उसी आंदोलन के दूसरे क्रम में आज दिनांक 15 मार्च को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार आरंभ हो गया है। इस कार्य बहिष्कार के इस चरण में जो आज और कल यानी 15 मार्च और 16 मार्च को चलेगा, उसमें हमारे जो विद्युत उपकेंद्र पे पाली में लगे हुए हमारे SSOs हैं उनको छोड़ के प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य का बहिष्कार करेगा, कार्य को नहीं करेगा और आंदोलनरत होकर जिला मुख्यालयों पर मीटिंग करेंगे। उसी के तहत हमने आज यहाँ पर ये मीटिंग आज रखी है, शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और इसमें प्रत्येक सदस्य और हर संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी होगी। केवल पाली में कार्य कर रहे आवश्यक सेवा के कर्मचारी SSO वगैरह को ही इससे छूट। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल, 1 चाकू और उपकरण भी बरामद किए हैं। वही वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों पर करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। अनूप शहर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और ये पूरा मामला अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर मखाना नहर का बताया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक अनूप शहर और उनकी टीम द्वारा कल मखाना नहर के पास जो पुरानी कोठी है वहाँ से ये 3 अभियुक्त हैं, तीनों संबल जिले के रहने वाले हैं और इन तीनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी निशादेही पर 3 कंप्लीट मोटरसाइकिलें और 3 मोटरसाइकिलें कटी हुई टुकड़ों में और 1 चाकू के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध 411, 414, 420, 467, 471 और 4/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा। गाजियाबाद में H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। हालांकि डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि इस वायरस से ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं जो कि उपचार के बाद ठीक हो जाते हैं। विशेष स्थितियों में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए यहां वार्ड भी अब आरक्षित किया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी इस वायरस से संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वही अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर AK विश्वकर्मा ने बताया कि सरकारी अस्पताल में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, कुछ निजी लैब द्वारा इसका टेस्ट किया जा रहा है। वह इस बीमारी से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बचा जा सकता है।
अभी हमारे पास कोई S3L2 का कोई केस रिपोर्ट हमारे जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनमें हुआ नहीं है, बट हमारे यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। एक 10 बेड का आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है, मतलब जो इसी के लिए असाइंड है, जिसमें सारी या S3N2 के केस अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत होगी उनको रखा जाएगा। सर, किस तरह के लक्षण इस बीमारी में दिखाई देते हैं और उससे किस तरीके से बचाव के लिए आप कहेंगे, अगर उससे बचा जा सकता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब पहले से भी जो सीजनल चेंज वायरस से जो इन्फेक्शन होते थे उसी तरह का ये वायरस है, उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसमें फीवर है, बॉडी एक है, पेन नेक है, मतलब गले में दर्द और रनिंग नोज, ये सब सिम्टम्स मिलेंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी कोविड से सब लोग निकल के आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करें। फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा भीड़ है, तो अपने को मास्क लगा कर। देवरिया में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने कई साल से वांछित चल रहे मोटरसाइकिल के चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने 11 मोटरसाइकिलों को अलग अलग जगहों से चोरी किया, कुछ को रेलवे स्टेशन से तो कुछ को मीरा लॉन के पास से और कुछ गाड़ियों को अपने ही घर के पास छिपा कर रखा था। अब पुलिस टीम ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चोरी की 11 मोटरसाइकिलों को भी अब बरामद कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं गाजियाबाद में एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में 6 सेकंड में 6 गोलियां चलाई गई। ताबड़तोड़ फायरिंग का ये वीडियो विजयनगर इलाके का बताया जा रहा है। बता दें कि ये वीडियो शादी समारोह का है, जहां एक युवक ने दूल्हे की बुग्गी पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और पुलिस का कहना है कि ये युवक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार का छोटा भाई है, साथ ही जिस रिवॉल्वर पर ये फायरिंग कर रहा है वो इसके मामा के बेटे की है। और पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद युवक को अब गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ रिवॉल्वर के लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी अब बात पुलिस द्वारा लगातार कही जा रही है। देखिए, ये थाना विजयनगर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते हुए प्रदर्शित हो रहा है। जब इस युवक की जानकारी की गई तो इसका नाम प्रवीण कुमार प्रकाश में आया और नियमानुसार उसमें कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो प्रवीण कुमार है, ये पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं बसपा के, उनके सगे भाई हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को घसीटा है। बता दें कि 13 सेकंड का एक फुटेज भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कार सवार ने पहले तो जमीन पर घसीटा है। थाना कवि नगर के गोविंदपुरम में एक युवक पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद युवक नीचे गिर गया। और टक्कर के बाद ये युवक जैसे ही नीचे गिर जाता है, लेकिन कार सवार उसके बाद भी कार चलाता रहता है। इस घटना का फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी कि कोई एक्शन नहीं लिया है। यह पूरा मामला गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके का बताया जा रहा है। मामला ये हुआ था, भतीजा था साकिब, वो मेरे ऑफिस पे जा रहा था मेरे लिए खाना लेने के लिए, पीछे से गाड़ी वाला आया शिफ्ट, तो उसने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, तो गाड़ी वाले ने उसकी गाड़ी भी नहीं रोकी और न उसको भर्ती कराया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है गाजियाबाद हॉस्पिटल में, उसका छुट्टी हो जाएगी दूसरे टक्कर लगने। तो प्रशासन से मैंने बोला था, प्रशासन ने मुझसे बोल दिया कि आप पहले छानबीन कर लो, फिर हम भी करें छानबीन। आज मैंने उसके नाम की FIR तो नहीं कराई, FIR जो कराई मैंने अध्ययन नाम में करा दी है। ये मैं आपसे चाहता हूँ भैया, इसका पता क्या गाड़ी का पता लगा है, कौन है, कब थे? गाड़ी का कोई पता नहीं लग पाया भाई, गाड़ी ने उसने रोकी, चढ़ाने के ऊपर गाड़ी लेके भाग चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार द्वारा एक युवक के साथ दुर्घटना कारित की गई है। उक्त के संदर्भ में जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये वीडियो थाना कविनगर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। कार तथा चालक की शिनाख्त के लिए टीम गठित की गई है, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा।
खबर हरदोई जनपद के बखरिया गांव से है, जहां के निवासी की अस्पताल में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मरीज के गॉल ब्लैडर में पथरी थी, जिसके ऑपरेशन के लिए परिजनों ने उसे आरके चौधरी अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों ने उधार लेकर ऑपरेशन के लिए पैसे भी जुटाए, लेकिन ऑपरेशन के बाद में मरीज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक डॉक्टर बीएन शुक्ला और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही से ऑपरेशन करने का भी अब आरोप लगाया है और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया है। वही ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर बीएन शुक्ला का कहना है कि सर्जरी के बाद मरीज को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मरीज जब फिर से दिखाने वापस अस्पताल आया तो उसकी दोबारा हालत देखते हुए सर्जरी का फैसला लिया गया, लेकिन उस दौरान उनकी हालत गंभीर हो गई। आईसीयू में रखने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और मरीज की आखिरकार मृत्यु हो गई। कानपुर के महाराजपुर में डेंटल सर्जन की निर्मम हत्या करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। बता दें कि उन्नाव का मृतक युवक कानपुर में अपने ससुराल आया था, जहां से वो अपने एयरफोर्स कर्मी दोस्त के घर चला गया था। कुछ दिन तक घर नहीं लौटने पर उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के दोस्त से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आरोपी मृतक दोस्त को अपने घर ले गया था, जहां दोनों ने मिलकर शराब पी, जिसके बाद आरोपी ने सर्विस लेन पर लगे पत्थर पर मृतक दोस्त का सर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि इस हत्याकांड में शामिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही गिरफ्तार आरोपी का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध भी बताया जा रहा है, जिसके चलते उसने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी और झूठे गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। थाना चकेरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके पति गायब है। उस तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी जांच जो चौकी इंचार्ज है SI विजय दर्शन शर्मा, उनके द्वारा की जा रही थी। इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उसे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। हत्या करने के बाद में इसने जो है उस शव को थाना महाराजपुर क्षेत्र में हाईवे के किनारे छुपा दिया था। इसे जब गहन पूछताछ की गई कि इसने घटना को अंजाम कैसे दिया, तो इसके द्वारा बताया गया कि गौरव जब इसके घर आए हुए थे तो इसने जो है शराब पिलाकर उसके नशे में धुत कर दिया और उसके बाद जाकर इसने उसकी जो है एक हाईवे के किनारे जो पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पे सर पे पटक पटक के उसके जो है हत्या कर दी। प्रयागराज हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंकज नगर चौराहे के पास ट्रक की चपेट में आने से कॉलेज जा रही छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह इस घटना की जानकारी मिलते ही रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी हंडिया पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूरी फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और किशोरी के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। सुबह बहुत ही दुखद दुर्घटना की सूची मिली। करीबन 9:30 बजे पंकज नगर तिराहे पे बरौद एरिया में एक 15 साल की छात्रा अंशु कुमारी अपने स्कूल जा रही थी, एक ट्रक से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी उनसे वार्ता करी, उनको हमने पूरा आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक मदद हम दे सकते हैं पूरा हम सुनिश्चित करेंगे। बालिका का जीवन जो है वापस नहीं आ सकता, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं, मैंने खुद अपना पर्सनल इंश्योरेंस दिया सबको, पुलिसकर्मी सब मौजूद थे, सबने उनको समझाया कि हम अपने स्तर से सारी की सारी सहायता तत्काल उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
संबल के मंदिर में पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां मंदिर परिसर में ही पुजारी रोशनलाल सैनी की हत्यारे ने सिर पर भारी वस्तु से हमला करते हुए हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि पुजारी से रंजिश रखने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही सर्विलांस और डॉग स्क्वाड ने मौके का निरीक्षण भी किया है। बता दें कि पूरे प्रकरण में एक शख्स द्वारा एक दिन पहले ही पुजारी से गाली गलौज करने और हत्या की धमकी की बात भी सामने आई है। वह मंदिर में पुजारी की हत्या के बाद पुजारियों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए हैं और यह पूरा मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड के शिव मंदिर का बताया जा रहा है। ये चंदौसी थाने के अंतर्गत एक शिव मंदिर है, यहाँ पर रोशनलाल सैनी जो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं यहाँ पर पूजा पाठ का काम किया करते थे। यहाँ बगल में एक कोठरी बनी हुई है जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि उनका शव यहाँ पर है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई तो उनके सर पर किसी भारी पत्थर से वार करके उनकी हत्या की गई है। शव को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, सर्विलांस और अन्य टीमों के द्वारा जांच की जा रही है। दो व्यक्तियों को जिनके साथ इनका पुराना झगड़ा होना या फिर इस तरह की चीज़ होना प्रकाश में आया है, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। इसमें प्रथम दृष्टया जो है वो यहाँ पर रात में इनका खाना और इनके साथ पीने वगैरह का सामान साथ रखा हुआ है, जिससे कि लग रहा है कोई जानने वाले परिचित व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है। सर हमने सुबह आए, सुबह लगभग 4:30-5 बजे। मेरा नाम दिलीप कुमार है। सर हम यहाँ के पुजारी हैं, साहब सेवकदार हैं, जो झाड़ू सफाई पाई हम करते हैं सर मंदिर की सुबह शाम। सर हम ये सुबह आए, हमने गेट खोला मंदिर का, मंदिर खोलने के बाद में हमने 6:30 बजे हम गए टॉयलेट के लिए, पेशाब करने के लिए थे अंदर धर्मशाला में। तो बाबा जी अंदर कमरे में लेटे हुए थे, हमने पूछा पता नहीं बाबा जी की आवाज़ में बाबा जी आवाज़ दी, तो बाबा जी उठे रहे क्या बात। तो हमने अंदर घुसे तो बाबा जी का सिर फट हुआ था सर, किसी ने पत्थर से बाहर किया था, पत्थर स्लिप के पीछे रखा हुआ था। रोशन लाल पुजारी जी कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ तो काफी टाइम से यही पुजारी बने हुए हैं, पहले बालकृष्ण रहते थे इनसे पहले। ये अकेले रहते हैं या वैसे कोई साथ में रहता है परिवार? नहीं अकेले हैं। नहीं क्या आप ये सुबह कैसा मालूम पड़ा, क्या किस तरह? मतलब हम लोग सफाई करूँ जो सफाई करने आते हैं सेवादार हैं, मतलब 9:15-9:30 तक चले जाते हैं यहाँ से सफाई करके रात को जी। उसके बाद में सुबह के लिए आते हैं 4 बजे 4:30 बजे। हम सफाई करते हैं लेकिन उधर तो जा ही ना पाते हैं कोई भी। सुबह कैसे तो मालूम पड़ा? सुबह अचानक में मतलब जो दिलीप डॉक्टर हैं जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं वो गए थे उधर के लिए, तो जब देखा तो ललित एडवोकेट हैं तो वो गए, उन्हें बुलाया तब देखने गए तो तब पता चली, बोले ऐसा हो गया। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।